गरीबी और नकारात्मकता का कारण बनती हैं ये पांच चीज़ें, भूल कर भी ना रखें घर में। कौन सी हैं वो पांच चीज़ें जानेंगे आज। नमस्कार, मैं बीएल सनोटिया और आप देख रहे हैं बीएल ज्ञान। वास्तुशास्त्र का हमारे जीवन में गहरा प्रभाव पड़ता है। कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, घर में किन चीज़ों का होना चाहिए और किन का नहीं, या फिर घर का निर्माण किस तरह का होना चाहिए, ये सभी चीज़ें वास्तुशास्त्र में विस्तार से बताई गई है। कई बार घर के अंदर जाने अनजाने में कई ऐसी चीज़ें लगी होती है जो अशुभता व नकारात्मकता लाती है, जिससे न केवल परिवार की सुख शांति खत्म होती है बल्कि धन व स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। वास्तुशास्त्र में घर से जुड़े सभी कार्यों को करने के तरीके बताए गए हैं, तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में जिसका घर में होने से कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और वास्तु दोष भी लगता है। ऐसी चीज़ें नकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ धन की हानि का कारण भी बनती हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहली जो चीज़ है वह है नल से टपकता हुआ पानी। वास्तुशास्त्र के अनुसार पानी धन का प्रतिनिधित्व करता है। अक्सर देखने को मिलता है कुछ लोगों के घरों में नल से पानी टपकता रहता है, साथ ही घर की दीवारों में नमी भी रहती है, जो वास्तुशास्त्र में अच्छा नहीं माना जाता। जिस घर में ऐसी स्थिति रहती है वहाँ माता लक्ष्मी का वास नहीं होता, जिसकी वजह से परिवार के सदस्यों को आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए घर के नलों को हमेशा सही रखें और दीवारों पर किसी प्रकार की नमी ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें। दूसरा, घर में पड़े टूटे बर्तन। घर में पड़े टूटे बर्तन व टूटे कांच राहु का प्रतीक माने जाते हैं, जो मानसिक पीड़ा व आर्थिक नुकसान करते हैं। साथ ही घर में किसी दीवार पर दरारें भी देखने को मिल जाती है, ये सभी चीज़ें वास्तु दोष का कारण बनती हैं। इसलिए घर में अगर टूटे बर्तन व कांच रखे हैं तो इन्हें तुरंत घर से बाहर निकाल देना चाहिए या इन्हें सही करवा लेना चाहिए। तीसरी जो चीज़ है वह है घर में पक्षी का घोंसला होना। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में अक्सर छत या फिर किसी कोने पर पक्षी का घोंसला दिख जाता है तो वह सही व अच्छा नहीं माना जाता। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये गरीबी को आमंत्रित करता है। अगर किसी पक्षी का अंडा टूट जाए तो यह निकट भविष्य में आर्थिक चुनौतियों का कारण बनने का संकेत है। ऐसे में कबूतर या अन्य पक्षी का घर में घोंसला नहीं बनने देना चाहिए। लेकिन अगर घोंसला घर की चार दीवारी के बाहर है तो इससे कोई परेशानी नहीं होती। चौथी जो चीज़ है वह है जाल व कबाड़। जाल व कबाड़ भी घर में नकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। जिन घरों में हर दिन साफ सफाई रहती है होती है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास सदा रहता है। घर में अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मरम्मत की मांग करती हैं तो उनको सही करवा लेना चाहिए या उन्हें फिर घर के बाहर फेंक देना चाहिए। साथ ही मकड़ी के जाल को भी तुरंत हटा दें। माना जाता है कि जाल न सिर्फ वित्तीय स्थिति को प्रभावित करते हैं बल्कि किसी भी कार्य या गतिविधि को रोकते भी हैं। इसलिए कबाड़ और जाल को हमेशा हटाते रहना चाहिए। पांचवा, टूटे फूटे जूते व बंद पड़ी घड़ी। वास्तुशास्त्र के अनुसार फटे जूते चप्पल का संबंध शनिदेव से माना जाता है और फटा हुआ जूता घर में रहने से शनि के नकारात्मक प्रभावों को बढ़ावा मिलता है। वहीं बंद पड़ी घड़ी घर की प्रगति को रोकने की सूचक है और इसको घर में रखने से धन की हानि होती है। अगर आपके घर में घड़ी बंद पड़ी है तो तुरंत ही इसे निकाल देना चाहिए। वहीं टूटे फूटे जूते चप्पलों को भी घर के बाहर फेंक देना चाहिए। इससे न केवल घर में खुशहाली आती है बल्कि प्रगति भी होती है। तो ये वो कुछ छोटी छोटी बातें और चीज़ें हैं जिन्हें हम हमारे जीवन में सही तरीके से करके हमारे जीवन को खुशहाल व संपन्न बना सकते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी लाभदायक जानकारी के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।